वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फाइनली हम मनाली पहुंच चुके हैं। तो मनाली का व्यू सुबह सुबह कुछ ऐसा है, देखो दूर दूर बर्फ दिख रही है और हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है। अब यहाँ के बाद हम जन्नत में घूमेंगे। तो अभी तो हम जा रहे हैं अपने होटल स्नो वैली रिजॉर्ट, तो वहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे। और अब हमारी उसके बाद ठंड से हाथों की हालत, अब थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, होंठ भी थोड़े थोड़े सूख से रहे, पूजा की हालत खराब हो चुकी है, सांस भी बहुत सारी कम हो रही है। और ये हमारे टैक्सी वाले भैया है, ये हमारी टैक्सी है। रूम देंगे, हम टाइम से पहले पहुंच चुके हैं यहाँ पर, तो लेट्स सी। हाँ तो दोस्तों सुबह के 10 बज गए, अभी तक हमें हमारा रूम नहीं मिला है, तो हम यहाँ पर लॉन्च में आ गए। वेटिंग रूम में वेट करते करते थक गए थे, यहाँ पर हो गए थे बिल्कुल। यहाँ लगा है झूला, तो हम इस झूले में झूल रहे हैं, हमें थोड़ा एक डेढ़ घंटा यही टाइम पास कर लेते, मजा आ रहा है। और यहाँ जो धूप आ रही है ना, वो भी बड़ी प्यारी है। देखो 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 देखो, और पीछे का व्यू तो और मस्त है ना इनको, ये देखो यहाँ का व्यू कितना प्यारा है। तो ये लॉन्च से व्यू है, लॉन्च में खड़े होकर देख रहे हैं, तो वहाँ से ही व्यू दिख रहा है। तो अभी हमने बात की यहाँ पे रिसेप्शन पे, तो उन्होंने बुलाया 10 बजे तक हमें हमारा रूम मिल जाए। होप शो 10 मिनट बचे हैं 10 बजने में, तो हम यहाँ बैठे हैं। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, ब्रेकफास्ट भी करने का मन कर रहा है। तो अभी हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, तो देखते हैं थोड़ी देर में ऑर्डर करेंगे, पहले फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम सुबह से जब से हम फ्रेश ही नहीं हो पाए हैं। सुबह से पूजा तो सो गई थी, अभी पूजा को मैंने फिर जगाया, मैं जगा हुआ था, क्योंकि एक को जगना पड़ेगा, सामान की रखवाली भी करनी ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको होटल के भी सारे फीचर्स, मतलब होटल की सारी बातें, मतलब बताऊंगा कि होटल में क्या क्या फैसिलिटीज है, कैसी कैसी सर्विस है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी डिटेल्स में बताऊंगा। अभी अपना रूम भी दिखाऊंगा, रूम कैसा है। बाहर से तो ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है होटल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होगी। और व्यूज यहाँ के, मतलब अगर देखिए सामने का, हमें कोई मतलब अगर कोई एक पर्सन व्यू भी मांगना चाहता है ना, कि एक अच्छा सा सामने वो, और अंदर से भी काफी अच्छा है। तो यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, जो मुझे अच्छी लग रही हैं। बाकी अभी हमें एक दो घंटे हुए हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ की सर्विस कैसी है, यहाँ के लोग तो अच्छे होते ही हैं, हिमाचल ये पहाड़ी लोग जो होते हैं अच्छे होते हैं, जैसे कि हम भी पहाड़ी हैं, हम उत्तराखंड साइड से हैं। तो लेट्स सी,
हम यहाँ का रिव्यू देंगे कि कैसा रिव्यू है, आपको भी यहाँ स्टे करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या क्या है, खेलने लायक, जुड़ने लायक, तोड़ने लायक। तो अभी हम सब चीज़ आपको बताएंगे, तो हमारे साथ ये बने रहे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, थैंक यू। हाँ तो हमारी पूजा रानी अब यहाँ मजे कर रही है, ये हमारा होटल। तो हमने सुबह के नाश्ते की वीडियो तो बनाई नहीं, कट करने के बाद हम बना रहे हैं। ये मिस्टर ओमी सुबह सुबह इन्होंने लगा लिया अंडे का वो, और यहाँ एक मैं एकदम साथ में खाना खाने वाली घर की बहू रानी। अब देखो अब हम ये सोच रहे हैं यहाँ से जाए कहाँ, मैं तो घर से नहीं जाते आराम करके। पूजा कहना ये है कि आज हम रेस्ट करें, और यहाँ पर पास में एक मंदिर है, हाँ। वहाँ पर पहले एक मतलब एक चक्कर वहाँ जाएं, और तीन चार जगह यहाँ लोकल नहीं घूमना चाहती है। बट मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज का दिन वेस्ट ना करके, शिशु करके एक जगह है यहाँ पर बहुत सारी हमें बर्फ देखने के लिए मिलेगी, वहाँ जाया जाए, और रात में वापस आकर कल मॉर्निंग से हम जीबी के लिए सफर स्टार्ट कर देते हैं। तो जल्दी जल्दी हमारा जो भी है टाइम, पता नहीं इनको क्या टाइम चाहिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रही है। मैं चाहता हूँ कम टाइम में, क्या छोड़ो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बात तो मेरी चलनी है, चलनी मेरी है, चलती मेरी है, और जहाँ जाएंगे हम जाएंगे, और वो डिसाइड होगा क्या है क्या भी। ये एक बीवी का दबदबा है जो हमेशा हमेशा बना रही है। हाँ तो हमने डिसाइड कर लिया है, अब हम जल्दी से अपने रूम में जाएंगे, अपने रिजॉर्ट में जाएंगे, और वहाँ से जल्दी जल्दी रेडी होंगे और शिशु के लिए निकलेंगे। तो जैसे कि पूजा ने बोला था दबदबा बीवी का चलता है रहेगा, वो तो अभी कैमरे के आगे कुछ और, बीवी का दबदबा कैमरे के आगे रहता है बस, कैमरे के कैमरे के पीछे हमारा दबदबा रहता है, तो जो हम बोलेंगे वो होगा, सरासर झूठ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा हमारी बात है, हमारी बात सबसे ऊपर, सात वचन मेरे ज्यादा है, भूलो मत। तो हम अपने सात वचन पूरे निभाते हैं, तो हमारे वचन में कोई ऐसा नहीं बोला गया था कि मैं इसकी बात बोला था कि कुछ भी करने से पहले अपनी पत्नी से पूछोगे, तो कुछ भी करने से पूछ लिया है, ये नहीं बोला था कि उसके सुनोगे, ये बोला था कि कुछ भी करने से पहले, और अगर वो मना करती है तो मना ही है, नहीं 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 हो जाओ, डिसीजन ऑलवेज पति का माना जाता है, तो जो मैंने बोला है वो ही होगा, ठीक है।
सिर्फ ये अपना बाथरूम है। अरे इट्स लाइक अ हेवन। और एक ये व्यू भी बहुत प्यारा है, फ्रेम में देख सकते हो, पिंक पिंक ऊपर से, ऊपर से पिंक, नीचे से ऊपर से, ऐसे 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 नहीं, ऐसे करते ऊपर से पिंक नीचे से, ऊपर से पिंक नीचे से ब्लैक। पूजा यहाँ से आपको दौड़ के दिखाएगी नीचे की तरफ। ऐसे इस गाड़ी के पीछे दौड़ना है, दौड़ो। देखो पूजा थुमक थुमक के चलते हुए और हाथ में इतना गंदा सा ये लिए, मेरे को चले। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया। असली होमी आ रहे हैं, बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। तुमको चाहा हाँ। तो गाइस यहाँ पर रिवर है, पूजा को जाना है रिवर के पास फोटो खिंचाने के लिए, तो मैं पूजा को लेके जा रहा हूँ। पर हम जाएंगे कैसे? गाइस तो ये है नदी, आराम से ऊपर चढ़ो। मुझे कैसा लग रहा है? बहुत बैड।